उम्रे का ऐलान किया है उन लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा उम्रे को जाएगा माशाल्लाह। तो वही पासपोर्ट की तैयारी करो फिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। रमज़ान के पूरे माह के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए। जो शख्स बिला उदरे शरई रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम लोग हैं गांव टोड्डा के अंदर। ये एक जाना माना गांव है क्योंकि इस गांव के अंदर जो मदरसा है जिसका नाम है मदरसा नासिरुल उलूम, ये काफ़ी मशहूर मदरसा है। और मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे दूर दूर तक मुसाबक़े, जो कुरान करीम के कंपटीशंस होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं और वहाँ से ट्रॉफ़ी और इनामात जीत के लेकर आते हैं। तो हमारी खुद से बहुत ख्वाहिश थी और लोगों की भी देखने की चाहत थी कि कौन सा मदरसा है, तो हम लोग आप लोगों को लेके चलते हैं और दिखाएंगे। यहाँ पर ज़िम्मेदार से भी मिलेंगे कौन यहाँ का ज़िम्मेदार है और यहाँ की तालीमात कैसी है, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है, वो सब हम आज आपको दिखाएंगे और हम लोग भी समझेंगे किस तरीके से जो यहाँ का निज़ाम है वो चलाया जा रहा है। ये अभी आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका जो नक्शा है वो मस्जिद वाला है। शायद ये मस्जिद है जिसकी तामीर अभी चालू है। इधर की तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा मदरसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ज़िम्मेदार भी बैठे हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं और ज़िम्मेदार से भी बात करते हैं और ये हमें यहाँ का जो निज़ाम है वो समझाने की कोशिश करेंगे। हम इनसे बात करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं मदरसे का क्या निज़ाम है। अस्सलामु अलैकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो मदरसे का जो निज़ाम है ये आप ही चला रहे हैं आपके हाथों में? जी माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। माशाल्लाह। तो आप इस मदरसे में कब से हैं, कब से मदरसे को चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी ये समझिए कि 7वां साल। माशाल्लाह। तो जब आप यहाँ पे आए थे तो ये जो नक्शा बना हुआ है कितना था, आपने आने के बाद कितना काम कराया या ये सब कुछ पहले से था? तो समझ लें, वैसे तो एक लंबी तारीख है इस इदारे की। हमारे बड़े भाई होते हैं मौलाना शुएब साहब, उन्होंने कभी तकरीबन 20-22 साल पहले इस गांव में शुरुआत की थी और इसी मदरसे से निज़ाम शुरू किया था और तकरीबन 7 साल वो यहाँ रहे। उसके बाद ये पंचायती जगह थी, पंचायती जगहों पर इख्तिलाफ़ ज़्यादा होते हैं तो मौलाना परेशान आ करके यहाँ से मौलाना जाने का फ़ैसला किया। फिर एक साहिब ने वो ज़मीन दी उधर गांव के बाहर, वहाँ मदरसा कायम किया। इत्तिफाक से वो मदरसा भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो ज़मीन उनके नाम थी। मौलाना यहाँ से मुंतकिल हो गए बुढ़ाना, कस्बा होता है यहीं करीब में, और मैं भी इत्तिफाक से तकरीबन 3-4 सालों से मौलाना के साथ में ही काम कर रहा था। तो गाँव वालों के इसरार पर मौलाना ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था। तो मकामी जो तलबा थे उस वक्त में वो सब इधर आ गए थे और मौलाना बैरूनी तलबा का निज़ाम लेकर बुढ़ाना शिफ्ट हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने कितना काम कराया यहाँ पर? जी उस वक्त में जब हम यहाँ आकर के बैठे तकरीबन 125 बच्चे हमारे साथ में थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तादाद तकरीबन 325 है और तकरीबन इन 6 सालों में इस साल के हफ्फाजों को मिलाकर तकरीब पिछले साल 47 थे और ये 58 हाविद हो चुके हैं। इस साल जिन बच्चों का दस्तार होगी उनको मिलाकर तामीरी काम में ये मस्जिद है हमारी, ये मस्जिद है। इस मस्जिद का ये तकरीबन नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं पलस्तर नहीं हुआ, जिस पे तकरीबन 13 सालों से बगैर लेंटर के थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये काम भी हमसे ही लिया है, लेंटर हो गया, अंदर फर्श और पलस्तर मुकम्मल हो चुका है और इधर की जो इमारत है बैतुल खलाए हैं और ये जो बैतुल खलाए उधर है ये सब आप ही की निगरानी में हुआ है। 2 समरसेविल इधर, 4 दीवारी सामने, वजूखाना इधर की 4 दीवारी होनी अभी बाकी है। माशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल कितने बच्चे मौजूद हैं टोटल? तकरीबन 325 बच्चे हैं जिनमें बाहर के बच्चों की तादाद है 58, बैरूनी जो तलबा है वो 58 है और मकामी तलबा और तालिबात और बैरूनी सब बच्चों को मिलाकर 325 बच्चे 8 असाती का काम करते हैं। माशाल्लाह। तो यहाँ आने से पहले हमने सुना था कि यहाँ के जो बच्चे हैं इस मदरसे के पढ़े हुए तो वो बच्चे कम्पटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, मुसाबका में जाते हैं और वहाँ से
कुछ ना कुछ जो है पोजीशन हासिल करके आते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बस जो सुना है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सच ही है, 100% सच है। हमारे अभी पिछले महीने की बात है, अक्कल को महाराष्ट्र में मौलाना गुलाम मस्तानी साहब की ज़र निगरानी जो मुसाबका होता है, अल्हम्दुलिल्लाह यूपी से 1-2 तालिबे इल्मों ने शिरकत की वहाँ, एक मेरठ से, एक हमारे यहाँ से, तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने कामयाबी हासिल की है। और अभी कुल हिंद मुसाबका बम्बई में होना है, वहाँ भी ऑनलाइन इम्तिहान में 5 बच्चों के फार्म हमने डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। उन बच्चों को मैं दिखलाऊंगा आपको, बाकायदा उनका सुनाऊंगा, कि वो बच्चे यही मौजूद है अभी उधर से। तो चलिए हजरत किधर से शुरू करेंगे? जी हाँ जी, इब्तदा से ही करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप इनको एक बार ये दिखाइए कितना खूबसूरत लगा है, जिस तरीके से बच्चों की चप्पलें लगी हुई है ना, इससे पता चलता है कि बच्चों को जो है ना सलीका भी सिखाया जाता है कि चप्पल किस तरह निकालनी चाहिए। और ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये खूबसूरती बनाती है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। हमारे यहाँ 2 दर्जे नाजर और इब्तदाई के हैं, एक इब्तदाई का होता है जी और एक दर्जा नाजरा है जी। तो ये जिस दर्जे में हम आपको लेके जा रहे हैं ये दर्जा इब्तदाई है। आ जाइए, ये दर्जा इब्तदाई है जी। ये हमारे उस्ताद है कारी दिशान साहब, माशाल्लाह शागिर्द भी होते हैं हमारे जी, और गांव टोड्डे से ही इनका ताल्लुक है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये दर्जा इब्तदाई सब कायदे वाले बच्चे। कितने बच्चे हैं जी इस दर्जे में? तकरीबन 35 बच्चे हैं। 35 बच्चे, तो ये सब तो यहीं के होंगे गांव के ही? नहीं, इसमें बाहर के भी हैं, गांव के भी हैं, सभी हैं। अच्छा, इनमें बाहर के बच्चे हैं जी। ये बच्चा खड़ा होना बेटा, दिखाइए दिखाइए बच्चे को, दिखाइए माशाल्लाह। ये बच्चा मेरठ जिले से हर्रा गांव है वहाँ का। अरे अल्लाह अल्लाह। बेटा सुना के दिखाओ आप कहीं से, थोड़ा माइक लगाओ यार, सुनाओ कहाँ आ रहा है आपका सबक? माशाल्लाह उम्र देखिए बच्चे की कितनी ऊंची। बस अक्सर इसी उम्र के बच्चों को हम लेना पसंद करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, इन पे अच्छे से मेहनत हो जाती। कहाँ रहे सबक बेटे? अच्छा पढ़ो, यहाँ से पढ़ो आप, आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ के। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क्या है बेटा? काफ अलिफ। माशाल्लाह। ये क्या है? नून अलिफ। माशाल्लाह बैठ जाओ बेटा। लाम के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? लाम खाली। और हा के ऊपर? हा खाली। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? इस बच्चे की 6 साल उम्र है, 7वें साल में है बच्चे। माशाल्लाह बैठ जाओ बेटा। कायदा मुकम्मल हो जाने के बाद बच्चे उधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये दर्जा नाजरा का है हमारे यहाँ। माशाल्लाह। ये पहले हम जो गए थे वो इब्तिदाई की दरसगाह थी, और अभी हम आए हैं नाजरे की दरसगाह में। ये बच्चों को खामोश कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, वरना आवाज़ जो है ना वो आ नहीं पाएगी हमारी सही से। तो ये जो दरसगाह है वो नाजरे की है, वहाँ से इधर शिफ्ट होते हैं बच्चे। कायदा मुकम्मल हो जाने के बाद बच्चे इधर आ जाते हैं जी। ये हमारे उस्ताद है कारी मोहम्मद हारिस साहब, कसेरवे के रहने वाले हैं। ये दर्जा नाजरा पढ़ाते हैं माशाल्लाह। ये बच्चे भी मिक्स है, कुछ यहाँ के हैं कुछ बाहर। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम कवायद नहीं पढ़ाते, हम नाजरा में भी कवायद नहीं पढ़ाते जी जी। अलबत्ता हमारा बच्चा नाजरा पढ़ने वाला जी, वो कवायद की बहुत कम ही गलती, इस तरह की नौबत आती है कि वो गलती करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर कायदे की रियायत करते हुए, मुकम्मल ख्याल करते हुए पढ़ता है माशाल्लाह। तो ये नमूने के तौर पर कुछ बच्चे। बेटा खड़े हो ना जी जी जी, खड़े हो जाओ सब। पढ़ लो, सुना। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद लविश। माशाल्लाह, कहाँ गए? लीलोन। ये लीलोन का रहने वाला है, आपकी मादर इल्मी है माशाल्लाह। लीलोन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو لا Yeah.
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بس بس شاباش ماشاءاللہ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ یہ بچوں کی طرز گائے جی جی تو یہ بچے تو ساری گاؤں کی ہوگی جی جی یہ بچیاں اکثر گاؤں سے تعلق رکھنے والی لیکن کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ وہ صرف اور صرف پڑھائی اور تعلیم کی غرض سے اپنے رشتہ داری میں آئی ہوئی ہیں یہاں گاؤں میں مدرسے میں پڑھتی ہے گاؤں میں اپنے رشتہ داری میں رہتی ہے کوئی اپنی خالہ کے یہاں کوئی پھوپھی کے یہاں کوئی بہن کے یہاں پہ کوئی نظام تو ایسا ہوتا نہیں ہے بچیوں کا کوئی نظام نہیں ہے بہتر یہ کہ اپنی رشتہ داری میں قیام رکھتی ہے اور یہاں پہ پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے بچے ماشاءاللہ بچوں کے دو درجے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جی یہ ہمارے یہاں استاد ہیں مولانا سرتاج صاحب گاؤں کا سروے سے ان کا تعلق ماشاءاللہ ایک درجے پڑھاتے ہیں اور ادھر قاری صاحب ہیں قاری شان الہی صاحب ماشاءاللہ ایک درجہ وہ پڑھاتے ہیں لڑکے ماشاءاللہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی تعلیم میں انداز میں پڑھنے میں کوئی اس طرح کا فرق یا امتیاز نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ جو محنت بچوں پہ ہوتی ہے وہی بچوں پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کے نمونے کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ بچوں کو بیٹا جی جی بالکل کھڑے ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفق فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اچھا حضرت ایسا کوئی نظام ہے کہ اگر میں کسی بچے کو اٹھاؤں اور اس سے کچھ پڑھوں تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نہیں کسی کو بھی اٹھا لیں آپ کچھ بھی پڑھوا لیں کوئی مسئلہ نہیں چلیے ماشاء اللہ اچھا یہ مطلب یہ ایک ہے تو مطلب بڑی عجیب سی اجازت لی ہے ہم نے کہ ہم کسی بھی بچے کو کھڑا کریں گے اور جہاں تک اس کا سبق ہوا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے بھی معلوم کر لیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ بچہ اچھا بیٹا آپ کیا پڑھتی ہیں بابو کھڑے ہو جائیے اچھا ماشاء اللہ تو چلیے ہم بیٹھ جائیے آپ ہم کسی پاری والے کو اٹھاتے ہیں کیونکہ قرآن شریف لے کے کھڑے ہو کے پڑھنا تھوڑا مشکل رہے گا اچھا بیٹا آپ پارا لگ رہا ہے آپ کا کھڑے ہو جائیے لے کے کیا نام ہے آپ کا الکبا ماشاء اللہ دکھائیے سبق کہاں آ رہا ہے آپ کا چلیے آپ یہ پڑھ کے سنائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اچھا تو بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب اگر بچے کو ہم اس طریقے سے اٹھاتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بچے ہچکچاتے نہیں ہیں پڑھتے ہوئے ورنہ بچے تو پڑھ ہی نہیں پاتے ایک جگہ رک جاتے ہیں چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا تو یہ حفظ کے حفظ والے بچے حفظ کا نظام مسجد میں ہوتا ہے یہ قاری صاحب ہے قاری محمد دانش صاحب ماشاء اللہ جی گاؤں کے رہنے والے گاؤں کے رہنے والے جی جی ایک درجہ یہ چلاتے ہیں یہ پڑھاتے ہیں اور ادھر یہ مولانا فاروق صاحب ہیں اچھا ماشاء اللہ یہ بھی گاؤں کے ہیں یہ کسیروے سے تعلق ہے ان کا ماشاء اللہ یہ ہمارے یہاں جو پرائمری نظام ہے عصر تعلیم کا وہ مولانا کی نگرانی میں ہے ماشاء اللہ ندوی ہے مولانا ماشاء اللہ بہت اچھا نظام ماشاء اللہ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ
इस बच्चे का ताल्लुक गांव से। दिखाइए बच्चे, दिखाइए ये वो बच्चा है जो अक्कल कुआ मुसाबते में कंपटीशन में जो कुरान करीम के कंपटीशन होते हैं उसमें हिस्सा लिया था इस बच्चे ने, और उस हिस्से में जो है माशाल्लाह पोजीशन आई थी। जी हाँ, ये असल में पहले तो मौलाना गुलाम मस्तानी साहब हर स्टेट में मुसाबका कराते हैं जी, और स्टेट से दो बच्चों का इंतखाब होता है जी, और फिर वो इंतखाब जिन बच्चों का होता है वो मुंतखब बच्चे अक्कलकुआ के लिए मधु होते हैं, वहाँ जाते हैं जी। वहाँ जाने के बाद फिर हर स्टेट से वो दो बच्चे जो टॉपर ये कह लीजिए हर सूबे से, उन बच्चों का आपस में मुकाबला होता है। हर स्टेट से दो बच्चे निकाले जाते हैं, फिर उनको अक्कलकुआ बुलाया जाते हैं, फिर उनका आपस में कंपटीशन किया जाता है। उनमें से कितने निकलते हैं? उनमें से 10 बच्चों का इंतखाब होते हैं, अव्वल दोम सोम से 10 तक। तो ये बच्चा हमारा पांचवी पोजीशन लाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बच्चे को उम्रे का ऐलान किया है उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा उम्रे को जाएगा माशाल्लाह। तो वही पासपोर्ट की तैयारी करो फिर जी, लगे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा ऐसा भी होता है कि बच्चे के साथ उस्ताद को भी भेजते हैं? बस कुछ लोग कर देते हैं, बाकी वहाँ तो बच्चे का ही ऐलान है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर अभी वहाँ बम्बई में कुल हिंद मुसाबका होने एक और अच्छा जी आने वाली, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उनमें हमने 5 बच्चों का फार्म डाला था उस मुसाबके में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। ये बच्चा भी है जिसका भी आपने सुना है जी, और ये भी है। मेरी अच्छा। दरख्वास्त है 2-4 आयत इस बच्चे की। जी 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 सुनाइए माशाल्लाह। औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم। ये बच्चा भी माशाल्लाह 2 महीने पहले ही पूरा किया है इसने। अच्छा माशाल्लाह। और मुकम्मल कुरान करीम इसने याद भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कितने बताए थे आपने, कितने हिफ्ज मुकम्मल कर चुके हैं यहाँ से? ये 58 बच्चे। 58 बच्चे माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। दिखाइए माशाल्लाह बच्चों का कितना अच्छा अंदाज है कि अगर लोग इनको देखेंगे जाते हुए, इनको नोटिस करेंगे तो मतलब बच क्या क्या खूबसूरत अंदाज है। आप देखिए कितना प्यारा अंदाज है ना माशाल्लाह। अगर बच्चे इस तरीके से गांव से गुजरेंगे तो जो अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाते या नहीं भेजते, वो लोग देख के इन चीज़ों को नोटिस करते हैं कि यार काश हमारे बच्चे भी मदरसे में जाते और इनकी तरह इस तरीके से आते। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना स्कूल में तो बड़ी आम बात है, स्कूलों से इस तरीके से निकलना, ये करना वो करना, लेकिन मदरसे में अगर इस सलीके के साथ बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा जब हम आए थे ये आपके साथ ही महसूस होते हैं माशाल्लाह। जी जी हाँ, तो हमारे साथ ही। तारुफ कराइए। ये हज़रत क़ारी मोहम्मद सनवर साहब हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी गांव से ही ताल्लुक़ है, सहारनपुर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और हमारे हिफ्ज के साथी होते हैं माशाल्लाह, मदरसे के बड़े ख्याल रखा है, पूरा ख्याल आपके साथी है। जी हाँ ठीक है। और मदरसा भी चलाते हैं माशाल्लाह। जी सहारनपुर में खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, जी मदरस है एक जगह। मदरस जी। तो आप करीबी रहते हैं मदरसे के, कुछ क्या लगता है आपको मदरसा सही चल रहा है? कुछ मतलब अपने थाट्स जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में, तासुरात? जी तासुरात। जी जी कुछ। बस हज़रत मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह का फजल है और कार साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी, क्योंकि मौलाना शोएब आलम साहब के दौर में जिस तरीके से मदरसा चल रहा था ये, उससे बिल्कुल ये हट गया था बीच में मौलाना के जाने के बाद। तकरीबन 6-7 साल ये मदरसा जो है बिल्कुल वीरानियों की हालात से गुजरा है। अच्छा। और उस वक्त हम बहुत जो है निराश थे कि मदरसा बिल्कुल वीरान हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कार साहब के आने के बाद
फिर माशाल्लाह मदरसे ने वही उरूज और वही तरक्की हासिल की है जिस नौयत पे मौलाना शोएब साहब के दौर में चल रहा था। तो हम कार साहब के भी शुक्र गुज़ार हैं इस बात के लिए, और हम खुशकिस्मती भी मानते हैं अपनी कि हमारे छोटे छोटे तलबा, जहाँ लोग अपने छोटे छोटे तलबा को बाहर भेजते हैं, अपने से दूर करते हैं, हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हमारे करीबी मदरसे के अंदर इतनी अच्छी तालीम और इतने अच्छे अंदाज में यहाँ पर हो रही है। तो इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कारी साहब के भी, और जो जितने भी यहाँ इंतज़ामी हजरात हैं उनके भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बल्कि पूरा गांव इस चीज़ के लिए कहता है कि ऐसी तालीम इलाके के अंदर नहीं है। तकरीर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी आप सुन के देखेंगे किसी बच्चे की तकरीर, तो मौलवियत में जब बच्चा पहुँचता है अरबी दर्जात के लिए किसी बड़े इदारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर वो महारत बच्चा हासिल नहीं कर पाता है जी। जो यहाँ हिफ्ज में हमारे कुछ बच्चे जो है इतने निखर के सामने आ जाते हैं, तो वो अपने आप को यहाँ से जब पहुँचते हैं आगे अरबी दर्जात के लिए, तो अपने आप को बहुत उन बच्चों में जब उस जमात उस क्लास में जाके बैठते हैं तो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। आयान शाहिद कहाँ है भाई? हाँ भाई, तकरीर याद है आपके? पूरी हो गई? याद है तो करके दिखाओ। माशाल्लाह देखिए जी, इन दिखाइए दूसरे बच्चों के मुकाबले में इनका साइज़ दिखाइए। माशाल्लाह ये छोटा बच्चा है, इनकी सुनेंगे हम। माशाल्लाह लो जी सुनाइए। الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جناب صدر اور محترم دوستو ابھی ابھی میں نے آخری کتاب باصواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے فرمایا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزے رکھ لے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس۔ کہاں کے ہو؟ ٹوڈا کے۔ یہیں کے ہو؟ ماشاءاللہ یہ مقامی بچہ ہے جی۔ چلیے بہت اچھا لگا حضرت آپ سے مل کے، کیونکہ ہم نے کافی وقت لے لیا آپ کا، معذرت چاہتے ہیں، لیکن آپ کا نظام جو ہے ہم نے لوگوں کو دکھایا، آپ سب نے دیکھا کس طریقے کا اس مدرسے کا نظام ہے۔ ہمیں گاؤں ٹوڈا کے اندر جو کلیان پور کے پاس پڑتا ہے، قصبہ بڑھانے کے پاس گاؤں کلیان پور ہے، کلیان پور کے بالکل جڑ میں لگتا ہے یہ ٹوڈا، ٹوڈا کلیان پور کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر یہ مدرسہ موجود ہے۔ اس گاؤں کے اندر دو مدرسے ہیں نا حضرت؟ جی دو مدرسے، ایک آپ کو باہر ملے گا گاؤں کے اندر گھستے ہی، اور یہ تھوڑا اندر آ کے ہے، اس کا نام ہے مدرسہ ناصر العلوم۔ ٹھیک ہے جی، بڑے مدرسے سے بھی مشہور ہے، بڑے مدرسے کے نام سے اور پرانے مدرسے کے بھی نام سے مشہور ہوا ہے، کیونکہ یہ مدرسہ سب سے پرانا ہے۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو جب میں مطلب تھوڑی میری یادداشت شروع ہوئی تھی میری زندگی کی، تو اس وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے میں بھی یہاں پہ آیا تھا، کیونکہ میں بھی بڑھانے کا ہی رہنے والا ہوں قریب میں، تو کچھ وقت میں نے بھی یہاں پہ گزارا ہے کافی وقت پہلے۔ تو اس مدرسے کو آج دیکھ کے اس کے بعد سے میں ابھی آیا ہوں یہاں پہ، تو میری بھی جو پرانی یادیں تھیں وہ تازہ ہو گئی ایک دم۔ اور قاری ارشاد صاحب نے اس طریقے سے اس نظام کو چلایا ہے کہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرانا والا جو نظام تھا وہی بالکل سیم نظام آج چالو ہے، بلکہ اس قدر اس کو ترقی پہ لے کے گئے نا کہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کی ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا مدرسہ ہے، ایسے نظام والا مدرسہ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس مدرسے کی آواز ہم بنے، تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائے۔ اور اگر آپ قاری صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ویڈیو میں بھی مل جائے گا۔ آپ مدرسے کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا، میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔